इस हफ्ते बड़ी खबर, हमारे पुराने सिटी के अंदर अटैक कर लिया गॉडज़िला ने और लोगों का भाग भाग के बेहाल हो चुका है और वो इनको कच्चा दबा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि वो हमारे सिटी के अंदर जल्दी ही आने वाला है, सो बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ अपने गांव को। क्या भाई यार, थोड़ा धीरे बोला कर भाई, कुछ समझ में ही नहीं आया मुझको, लेकिन इतना मुझे समझ में आ गया कि इस सिटी के अंदर गॉडज़िला आने वाला है। लेकिन भाई आज तो मेरी गोल्ड कार की डिलीवरी, क्योंकि मैं इस सिटी का सबसे ज्यादा अमीर आदमी हूँ। लेकिन भाई मेरी सारी कार को किसने आग लगा दी? अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे अरे, ये गॉडज़िला का ही करना है सब। अब भाई मुझे उस गॉडज़िला के बारे में थोड़ा पता है कि वो जैसे पैर रख देता है सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती है, और ये मेरी कितनी ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियां थी। लेकिन एक सेकंड भाई, ये सब गाड़ियां के मिलकर भी वो गोल्ड की कार नहीं आ सकती। लेकिन उसका ये हाल हुआ तो मैं देख नहीं सकता भाई, सो मुझे जल्दी उन कार्स को दूसरी सिटी के अंदर इम्पोर्ट करना पड़ेगा, मतलब वहां तक वो गॉडज़िला पहुंच ना पाए। सो करते भाई वो सब। यहाँ पे पुलिस कैसे आ गई? बच्चे सारे सिटी के लोग दूसरे सिटी के अंदर शिफ्ट, जल्दी जल्दी बोरिया बिस्तर बांध और एयरपोर्ट के ऊपर आ जाना, वहाँ पे सारे लोग होंगे। क्योंकि मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरी गोल्ड की कार भी मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी उस सिटी के अंदर। सो चलते हैं भाई। तो मैंने 10 करोड़ ले लिए और सबसे पहले मैं जाऊंगा मेरी कार्स की डिलीवरी लेने के लिए। तो अभी के लिए मेरे पास कोई कार नहीं, तो ये पुलिस वाले भैया की कार मैं लेके जा रहा हूँ और उन्होंने परमिशन दे दी मुझे। अरे भाई, ये बीच बीच में क्या हो जाता है भाई? यार ये गॉडज़िला भाई ने बहुत ज्यादा कूद रहा है लगता है। कार्स की डिलीवरी लेने के लिए मुझे सिटी के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी महंगी कार्स है, क्योंकि वो सिटी के अंदर ला नहीं सकते ना भाई। क्या करो यार, तुम्हें पता ही है, सो चलते फटक से। A few inches later. तो मैंने पुलिस की कार इधर पार्क कर दी और ये देखो तुम, चार चार गोल्ड की कार, कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। लेकिन ये क्या है? अरे यार, ये गॉडज़िला बहुत ज्यादा पास आ रहा है लगता है। तो गाइस, मैंने सभी कार्स को अपने ट्रक के ऊपर लोड कर लिए और ये एकदम मस्त लग रहा है। सो चलते भाई इनको लेके एयरपोर्ट के ऊपर, और उधर से मुझे इंपोर्ट करना है दूसरे सिटी के अंदर, और मुझे खुद भी जाना है क्योंकि इधर जल्दी ही गॉडज़िला आने वाला है। मैं आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट के ऊपर मिलता हूँ। तो गाइस, मैं सारी कार्स को एयरपोर्ट के ऊपर लेके आ चुका हूँ। मैंने एक बंदे को बोल दिया कि ये सारी कार्स वो न्यू सिटी के अंदर लेके आ जाए। पर भाई आपको क्या लगता है, मैं इतनी ज्यादा भीड़ में जाऊंगा उस प्लेन के अंदर? भाई मैं जाने वाला मेरे प्राइवेट प्लेन के अंदर। ये हमारा प्लेन उड़ चुका है, सो चलते उस न्यू सिटी के अंदर, और मेरे पास उसका मैप भी है, सो चलते जल्दी से। A few inches later. गाइस, मैं सिटी के अंदर पहुंच चुका हूं। भाई इस सिटी कितनी ज्यादा शांत है। भाग जाओ इस सिटी के अंदर, क्यों आ गए भाई? इधर गॉडज़िला है, भाग जाओ भाग जाओ। मजाक कर रहे हो यार, सभी ने मुझे यहाँ पे तो आने के लिए बोला था, लेकिन मेरा मैप गलत ना हो। भाई इसी सिटी के अंदर तो गॉडज़िला था। रेड गाइस, वीडियो खत्म हो चुकी है, और मुझे पता है भाई वीडियो बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन भाई अगली बार मैं बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करने वाला हूँ। सो तुमने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और गाइस, अगर आपको ऐसे स्टोरी वीडियोस पसंद है तो कमेंट के अंदर रेड हार्ट जरूर डाल देना। सो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।